न जाने क्यों मुझे लग रहा है ये जो नताशा के साथ हुआ है ना पंड्या स्टोर में, ये किसी ने उसके साथ खेल खेला है, और वो भी बहुत ही बुरा वाला। अब देखिए ना, टेक्निकली ऑन द फेस ऑफ इट, नताशा को ससुराल वालों से आज्ञा मिल गई थी, एज इफ टू से शी नीडेड इट, कि भैया जाओ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और काम करो। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर इंटरव्यू के लिए निकलती है, या तो वो गिर जाती है या कोई उसको गिरा देता है, और वो इंटरव्यू के लिए अब पहुंच पाएगी, फिर से दे पाएगी, या कहानी वापस वहीं अटक जाएगी जहां पर अटकी हुई थी। इस सब कुछ बिगड़ गया, जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली नताशा को ससुराल वालों से परमिशन मिल गई थी इन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने की। क्योंकि पहले तो मैं पोस्ट करता था कि नताशा जॉब करेगी तो मैं घर पे बैठ के खाऊंगा क्या, बट अभी ऐसा है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्टिव हस्बैंड बन चुका हूँ, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसको उसको मैंने डायलॉग भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ नताशा, क्योंकि तुम फैमिली के साथ खड़ी हो। पति ने भी अपनी पत्नी को तैयार कर दिया था, लेकिन देखिए पत्नी नताशा के साथ क्या हो गया। अरे ये भी तो लेके जाओ यार जल्दी से। अब सासू माँ नीचे बैठकर फर्श पर कुछ कर रही थी, इतने में नताशा आ रही थी, उसका पैर फिसला और वो धपाक से गिर गई। इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, भगवान ने फिर भी दिखाई नहीं देता, देख के चलना चाहिए ना। सासू माँ का कहना है कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है तो कम से कम सामने देखो तो सही क्या हो रहा है। अब नताशा गिरी, उसके पैर में चोट आ गई, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और पतिदेव धवल भी आ गए। अपनी पत्नी को गोद में उठाकर वो कमरे में ले गया। अब ये तो सही है, सासू माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नताशा नौकरी करे, और ये देखिए सासू माँ ने जैसा सोचा था वैसा हो भी गया। हाँ, वो कुछ फाइल वाइल ढूंढ रही थी, उसके एकदम से मैं आ जाता है, और हमारी तो आदत है, हम ड्रामा में भी फनी कर देते हैं, कभी कभी ड्रामा में भी रोमांस कर देते, तो हम लोग कुछ अलग चीज करने के लिए जाने जाते हैं। अब पैर में मोच आई है तो इंटरव्यू देने नताशा कैसे जाएगी, क्या अब भी वो घर से बाहर कदम रख पाएगी, या फिर यहाँ पर कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धवल उसके ऑफिस तक उसे गोद में उठाकर ले जाएगा और कहेगा कि लो अब तुम इंटरव्यू दे दो। ऑल इज वेल फैंस, ऑल इज वेल व्यूअर्स, ऑल इज वेल, आपको मजा आएगा। काश ऐसा हो तो हम तो यही मानेंगे कि धवल इस दुनिया का सबसे बेस्ट पति है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, नताशा का इंटरव्यू होगा या फिर वो घर पर ही रह जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।